मॉर्निंग से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे मैंने अपना लंच वंच बना लिया था, उसके बाद फिर मैं नाश्ता करने लग गई थी। तो मैंने थोड़ा सा शूट करा था, इधर साइड में मीशू है वॉकर में और यहाँ से उसको खिला रहा है। और बाद में पता चला अभी जब मैं एडिट कर रही थी तो जो मेरा कैमरा है बिल्कुल भी साफ़ नहीं था फ़ोन का, और देख सकते हो काफ़ी गंदा गंदा सा लग रहा है। तो उधर साइड में हस्बैंड सिलाई कर रहे थे। एंड उसके बाद यहाँ पे नाश्ता वास्ता करने के बाद मीशू यहाँ पे फ्रूटी के साथ खेल रही थी, जो कि रियांश मीशू नीचे गिरोगी। आ जाओ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। तो आज है 19 तारीख और मॉर्निंग से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो व्लॉग में आगे बने रहिएगा। और चलिए मैं सफाई करती हूँ, तो थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मीशू एंड उसके बाद फिर रियांश को नाश्ता करवाया। और आज बनाया था ना चीला, तो रियांश सॉफ्ट था तो रियांश ने जल्दी खत फिनिश कर दिया था। उसके बाद फिर मैं अपने मीशू को मसाज दे रही हूँ, और पीछे से नॉइज़ आ रही है रियांश और मीशू की, वो दोनों खेल रहे हैं तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं मीशू को मसाज दे रही हूँ और डायपर पहना के दे रही हूँ। अक्सर मैं डायपर निकाल देती हूँ, बट वीडियो बनाना था इसलिए मैंने डायपर पहना रखा है। तो हल्के हाथों से देती हूँ। अभी मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और मीशू यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी, और उसको हैबिट हो गई, 8 मंथ होने वाले हैं तो उसको आदत हो गई है मसाज की। मसाज ना करो ना तो बहुत क्रैंकी, मतलब उसको ना बहुत अजीब सा लगता है, और मसाज करने के बाद बहुत उसको अच्छा अच्छा फील होता है। और देख सकते हो काफ़ी इन्जॉय करती है वो मसाज को। और मैं बल बहुत ही हल्के हाथों से करती हूँ, पैर पे इसलिए करती हूँ, मैं थोड़ा सा प्रेशर डालती हूँ, तो हल्का सा प्रेशर डालती हूँ, क्योंकि ना बेटे के टाइम पर मैंने इतना मसाज नहीं किया था, पहला बेबी था, मुझे पता नहीं था। तो उसका थोड़ा सा पैर देख सकते हो, आप देख सकते हो थोड़ा सा पैर ना साइड से उठा हुआ है, तो इस चक्कर में मैं ना थोड़ा सा पैरों पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। एंड उसके बाद फेस पे भी मैं ऑयलिंग करूँगी, क्योंकि 1 घंटे बाद मैं बाथ दे दूँगी। गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ गई है, इसलिए कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। गर्मी में ना कोकोनट ऑयल काफ़ी अच्छा होता है, ठंडा ठंडा होता है। तो यहाँ पे बस उसको फिर मैं एक्सरसाइज करा देती हूँ थोड़ा बहुत, ताकि जो भी थकान होती है ना बच्चों की वो निकल जाए, क्योंकि बच्चे पूरे दिन लेटे रहते हैं और हाथ पैर चलाते हैं तो उनको हाथ पैर में पेन होता है। तो इस चक्कर में मैं उसको थोड़ा सा एक्सरसाइज करा देती हूँ, और काफ़ी अच्छा फील करती है वो। आधे 1 घंटे का नैप ले लेती है अगर रियान शोर ना करे तो, अगर शोर करता है तो फिर वो 10 मिनट का भी नैप नहीं ले पाती है। और मीशू जैसे जैसे बड़ी हो रही है थोड़ा सा काम करना मुश्किल हो जाता है। बस यहाँ पे मीशू का एक्सरसाइज हो गया है, एंड उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं उसको फीड कराऊंगी। और इस तरीके से बांध के जब कराती हूँ ना मीशू को, तो काफ़ी ज़्यादा वो इन्जॉय करती है। और बस यहाँ पे थोड़ा सा दबा देती हूँ, एंड फिर मीशू को सुलाने के बाद यहाँ पर मैं कपड़े डालने आ गई थी, जो कि मैंने एक दिन पहले धोए थे। और इस चुन्नी में ना काफ़ी ज़्यादा ही कलर निकल रहा है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे रियांश भी आ गया था मदद कराने, लेकिन कपड़े ज़्यादा थे नहीं तो मैंने उससे नहीं दिया। और ना वो बहुत सारे कपड़े खोल के देता है तो फिर टाइम लगता है, और मैं ये सोचती हूँ मीशू जब तक सो रही है तब तक मैं फटाफट से सारे काम कर लूँ, क्योंकि 2-2.5 बज जाते हैं काम करते करते। और रियांश खाने वाला है, मतलब वो 3 साल का है तो उसको प्रॉपर खाना चाहिए होता है, जो कि नहीं हो पाता है। मीशू जगती है तो फिर मीशू को ध्यान देना पड़ता है, और मैं अकेली हूँ तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक बच्चा संभालो, दूसरा बच्चा संभालो, एक को ध्यान दो दूसरे को नहीं दो, तो नहीं हो पाता है। और मीशू का है कि उसके सामने बैठे रहो, उसके सामने से कहीं जाओ मत, तो इसलिए मैं सोचती हूँ मीशू जब तक सो रही है तब तक सारा काम हो जाए। और यहाँ पर मीशू नहा चुकी है और सोकर भी उठ गई है, देख सकते हो काफ़ी वो एनर्जी मूड में है, खेलने के मूड में है। तो बस वो थोड़ा बहुत खेलती है ऐसे ही, रियांश भी थोड़ा बहुत खेल लेता है, और बस ऐसे ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कब शाम हो जाता है रियांश और मीशू के साथ। और ये दोनों के आने के बाद तो मेरी लाइफ चेंज ही हो गई है। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे घर में रहते हैं, और इसका मज़ा ही काफ़ी अलग होता है। जब मैं मीशू से थोड़ी बहुत बातें कर रही थी एंड बस ऐसे करते करते मेरा दिन निकल जाता है। और यहाँ पे मैं मीशू को ना बोल रही थी पापा बोलने को, कि मॉर्निंग में उसने ना पापा बोला था, तो बस पापा बोलने में यहाँ पे रियांश मीशू के साथ खेल रहा है। पापा।
पीछे ना नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, मैं इसको वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ। और मंदिर है ना सामने, तो उसमें अभी इस टाइम आरती हो रही थी, 7 बज गए थे तो आरती हो रही थी। यहाँ पे रियांश यहाँ पे पढ़ रहा था, तो वो तो बता रहा था कि इसको ये बोलते हैं, उसको वो ये बोलते हैं, तो बस मैं उसको थोड़ा बहुत पढ़ा रही हूँ, स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, कि वो 3 साल का हो चुका है तो स्कूल में भेजने की तैयारी करनी है हमें, तो बस यहाँ पे उसको पढ़ाऊँगी। एंड व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय गाइस।